नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। तो आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना है। वैकेंसी कौन सी भरी जाएंगी उस पर हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी से आप संतुष्ट होते तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लास्ट तक देखिएगा, कट मत करिएगा, क्योंकि पूरी ए टू जेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देंगे। वेबसाइट का अगर लिंक चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। डिपार्टमेंट का नाम है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी भरी जाएंगी। वेबसाइट ऐप की www.hptdc.in ये वेबसाइट रहेगी और इसके लिए आप अप्लाई कर सकती है 30/6/2019 तक 30 जून तक अप्लाई आप कर सकते हैं। और पूरी जानकारी हम आपको देंगे को किस में वैकेंसी भरी जाएंगी, ठीक है, ये आप नोट करिएगा। कौमी क्लास 4 की वैकेंसी होगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, जनरल की 5 होगी और जनरल IRDP BPL से अगर आप हो तो फिर आपके लिए एक पोस्ट है। एक्स सर्विस मैन हो और आप जनरल से हो तो आपके लिए एक पोस्ट रिजर्व इसमें। तो एक्स सर्विस मैन बहुत से लोग कमेंट करते हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। ऐसे की दो पोस्ट है, OBC के लिए एक पोस्ट है। अब जो नेक्स्ट है वो आप देखिएगा, इसी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको दी हुई है। द डिटेल ऑफ द पे बैंड एंड द प्रोविजन ऑफ एंड R&P रूल्स एंड एक्सटेंडेड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉमी फॉर आर एज अंडर तो नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे बैंड क्या है। तो कॉमी फॉर ये ट्रेडिशनल कुक की पोस्टें भरी जाएंगी, ठीक है, और 5,910 से लेकर 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे आपकी होगी और कॉन्ट्रैक्टुअल पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 7810 रुपये, 7,810 रुपीज़ आपको इसमें मिलेगी। द कैंडिडेट हैविंग 10th क्लास पास, ये आप होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस किसी होटल के आपके पास या जो भी एक्सपीरियंस है, कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कुकिंग का, कि आपने कुकिंग का काम किया हुआ कम से कम 6 साल और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। होटल का हो, रेस्टोरेंट का हो, अगर आपके पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। जो एज है वो क्या होनी चाहिए, तो एज हम आपको बता देते हैं। एज होनी चाहिए आपके 18 से 45 साल एज 11 जून 2019 तक 18 से 45 जनरल के लिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय द 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। द अपर एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पर प्रोविजन एडमेंट रूल एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो 5 साल की छूट इसमें SC ST के लिए मिलेगी, तो 18 से 50 साल तक वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद मान लो आप हो OBC तो OBC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल की छूट आपको मिलेगी इसमें, तो 48 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 48 साल तक या आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्स सर्विस मैन है तो वो रूल क्या कहते हैं, तो उस पर भी आप एक्स सर्विस मैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑफलाइन भेजनी पड़ेगी, आप वेबसाइट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नो अदर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपके पास होने चाहिए, जो आपने फॉर्म भरनी उसके साथ आपको लगानी है। अब फॉर्म कौन सी अगर आपको चाहिए तो वो आपको हम इसी में बता देंगे कि फॉर्म भरनी कैसे है। पहले आप देखिएगा सीरियल नंबर 1 जो है मैट्रिक का, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नंबर वगैरह इसमें शो नहीं किए, उम्मीद के नंबर कोई इसमें डिपेंड नहीं करते। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन कुकिंग ट्रेडिशनल हिमाचल प्रदेश क्विजिन्स, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है SC ST OBC एक्स सर्विस मैन BPL IRDP का जिस भी कैटेगरी से आप हो, वो सर्टिफिकेट आपको उसकी फ़ोटो कॉपी करके उसको अपने सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपको भेजना है, ठीक है। और एक पासपोर्ट साइज़ रिसेंटली मेंस के अभी कुछ टाइम पहले आपने फ़ोटो ली हुई है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। ये डोली साइंड बाय कैंडिडेट किया हुआ है, तो मीन्स कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। उसके बाद आपका हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको ये हाईलाइट किया हुआ है और ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपका बोनाफाइड हिमाचली नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, परंतु अगर आपका है तो उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा, उस पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, अटेस्टेड कर दीजिएगा उसको नीचे, और
भेज दीजिएगा। फिर आपको जो मेन है कि फीस कौन सी है क्या इसमें, वो हम आपको बता देते हैं। अब जो डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन है इसको आप चेक कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्टिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पैकुलर कंडीशन प्रिवलिंग इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज, त्यौहार, संस्कृति, कल्चर जो भी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार का बिहेव करना है, और पूरी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब जो मेन है फीस क्या होगी, तो फीस आपकी होगी 600 रुपीज़ फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड 300 रुपीज़ फॉर द रिजर्व कैटेगरी, मीन्स की एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये फीस होगी और 600 रुपये होगी जनरल कैटेगरी से सामान्य वर्ग से जो लोग हैं। अब पेबल कहाँ होगी, तो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा, डीडी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैनेजिंग डायरेक्टर एचपीडीसी एंड पेबल एट शिमला, तो ये शिमला के एड्रेस पर आपको भेजने। और इसमें बताया हुआ है कि अगर आपकी एक बार फीस सबमिट हो जाती है और वो रिफंड द्वारा वापस नहीं होगी, ये आप नोट करेगा। द कैंडिडेट शुड बी बोनाफाइड हिमाचली ओनली, तो जो अभ्यर्थी वो हिमाचल प्रदेश का नागरिक या सॉरी हिमाचल प्रदेश का या बोनाफाइड हिमाचली वो होना चाहिए, तो इसमें ये स्पेशल आपको बताया हुआ है। बोनाफाइड हिमाचली वही होगा जो कम से कम 20 साल से हिमाचल प्रदेश में जिसका स्थायी निवास है, वही बोनाफाइड हिमाचली होता है, तो वो ये आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको पता लग जाएगा उस पर लिखा भी होता है। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, और क्या क्या आपको करना पड़ेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे पहले आप ये बताया हुआ सीरियल नंबर 28 जो हाईलाइट किया हुआ था, कैंडिडेट आर एडवाइज टू बेस्ट एचपीडीसी वेबसाइट, ये आपको चेक करनी है। और कब करनी है, जिस दिन आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप फेसबुक अपनी ओपन करते हो उसी प्रकार से आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और अब जो मेन है कि नोटिफिकेशन कौन सी, तो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करना, लिंक हम आपको दे देंगे, या व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पर हम आपको जानकारी दे देंगे। अब जो सबसे पहले है ये पोस्ट नेम आपको भरना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। अब जो डिटेल ऑफ फीस, मान लो आप जनरल से है, जनरल कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर 600 रुपीज़ भरना पड़ेगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर 300 भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट नंबर जो है ये आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपको भरना है कि 600 का ड्राफ्ट बना आपका, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्या, डीडी पर नंबर आपका लिखा होगा डिमांड ड्राफ्ट पर, वो आपको भरना है, और कब बना वो आपका ड्राफ्ट वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बता रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं चलता है वो जरूर देख के लास्ट तक। अब आपको भरना है नेम ऑफ द इशूइंग बैंक, कौन से बैंक से आपने ड्राफ्ट बनाया वो आपको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर अपने आप फ़ोटो लगा देना। उसके बाद फ़ोटो लगाने, मान लो आपकी यहाँ तक फ़ोटो आती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देना, ठीक है, इस प्रकार से अटेस्टेड कर देना फ़ोटो को खुद की, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद जो नेक्स्ट है सीरियल नंबर 1 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एप्लीकेंट नेम आएगा, अभ्यर्थी का नाम आएगा, और कैपिटल लेटर में आपको वो भरना है, ठीक है, और हो सके तो जितने भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है बड़े अक्षरों में वो आपको भरना है। जैसे आपका नाम है रोहित शर्मा, तो आपको रोहित शर्मा बड़े अक्षरों में लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, ये आप नोट रखिएगा। उसके बाद फादर नेम आपको भरना है यहाँ पर, वो भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है, लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया हो तो कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है वो आपको भरना है, और कैटेगरी कौन सी है तो वो भी आपको कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में भरनी है। तो यहाँ पर एस सी से, एस टी से, ओ बी सी से, जनरल से वो आप भर दीजिएगा। अब 11 जून 2019 तक आपकी उम्र क्या थी वो आपको भरनी है, कौन कितने दिन कितने साल के आप हुए वो आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद आप मेल है फीमेल है वो आपको भरना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप मेल है तो मेल लिख दीजिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल भर दीजिएगा। अनमैरिड हो या मैरिड है वो आपको भरना है, शादीशुदा है अभी तक कुंवारे हो आप वो आपको भरना है। और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है यहाँ पर, वो भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। परमानेंट एड्रेस मीन्स कि जहाँ पर आपका बोनाफाइड हिमाचली बना हुआ है वो आपको भरना है, कौन सा गांव है, कौन सी तहसील है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से आपका शहर है वो आपको भरना है, ठीक है। और स्टेट हिमाचल आएगा इसमें, तो हिमाचल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको अपना भरना है, पिन कोड जो भी आपका एरिया का वो आपको भरना है,
एड्रेस फॉर कॉन्फिडेंस एंड कैपिटल लेटर वो आपको भरना है। तो ये भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है, ये पत्राचार का जो पता होता है जहाँ पर अभी रह रहे आप। मान लो आप किसी गांव से और अभी आप शहर में रह रहे हैं, तो वो शहर वाला जो पता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और जो गांव वाला पता है वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सेम है सब कुछ इसमें। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो आपका अभी जो चल रहा है वो आपको यहाँ पर भरना है। दो फ़ोन नंबर मांगे हुए हैं, इसमें आप दो भर देना अगर आपके पास दो है तो, अगर एक है तो एक ही भर देना। ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपको यहाँ पर भरनी है। हालांकि ऑफलाइन इस पर हो या ना हो इस पर कोई बात, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, सीरियल नंबर 12 जो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो उसका नंबर जो भरा जाएगा आपका वो यहाँ पर आपको भरना है, अगर नहीं है तो उसको आप क्वालिफ छोड़ सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बताई हुई आपकी वो आपको बताना है, ठीक है। टेंथ का तो आपको भरना पड़ेगा, कौन से बोर्ड से की थी, जैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से की है तो HP बोर्ड धर्मशाला आप यहाँ पर कर दीजिए। उसके बाद कौन से साल पास हुए वो आपको भरना है, कितने परसेंट भरें तो वो आपको भर देना है, ठीक है। जैसे आपको पता है 350 अगर आपने नंबर लिया, अगर 700 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता हुआ था तो 50% आप यहाँ पर करोगे, परंतु अपने नंबर की कैलकुलेशन आप कर लेना। अगर किसी को पता नहीं चलता तो आप कमेंट करना, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। या व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ वो आप देख लेना और कमेंट आप ज़रूर करना, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है फैनी अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर भरनी है। तो इस प्रकार से ये पोस्टें भरी जाएंगे और वही सेम आएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट या बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने की है। जैसे यहाँ टेंथ का यहाँ पर प्लस टू का भर देना आप, ठीक है, ये हालांकि ज़रूरी नहीं है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी मीन्स कि अगर आपके पास है तो आप इसको भरिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया हुआ है, एक्सपीरियंस किस चीज़ का वो आप भर दीजिएगा यहाँ पर, और उसकी अटैच कॉपी आपने लगानी है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन कीजिएगा, इस पर आपको जानकारी दी हुई है, और यहाँ पर आपका आएगा कि कौन से डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं, प्लेस कौन सा काम से आप हो। प्लेस में आप या तो अपनी तहसील का नाम भर देना या डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देना, ठीक है, हालांकि तहसील का ही नाम आप भरना प्लेस में। और उसके बाद आएगा यहाँ पर सिग्नेचर का नाम यहाँ पर भर देना आप, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का यहाँ पर आप नाम भर देना अपना इस जगह, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आपको डिटेल से बता रहे हैं हम। यहाँ पर अपना नाम भर देना और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना आप, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर आपको एड्रेस जो आप वो आपको भर देना है, कहाँ पर भेजनी है वो हम आपको बता देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का ये एड्रेस है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर एड्रेस आ रहा है, ठीक है, ये आप इसको कट करिएगा। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिमिटेड जो ये शिमला का जो एड्रेस है यहाँ पर आपको ये फॉर्म भेजनी है, या वेबसाइट पर आप चेक कर लेना कौन सा पोस्टल एड्रेस है। HPTDC की जो वेबसाइट है इस पर भी आप चेक कर लेना, अगर कोई भी अपडेट्स आएगी तो हम आपको बता देंगे, तो ठीक है। HPTDC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि फॉर्म आपको कहाँ भेजनी है, और इंस्ट्रक्शन आप चेक कर लेना, इसी में आपको दिया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।